www.zoomtv.in. इस न्यूज आर्टिकल का सिंपल लैंग्वेज में क्या मतलब है ये तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन इस आर्टिकल को सच मानने के लिए जरा कटरीना के इस लेटेस्ट एसएमएस को भी पढ़ लीजिए. नो नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट ओल्ड स्टफ दैट हैज बीन सेड एट कॉन्फ्रेंसेस. इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि इस न्यूज आर्टिकल में कोई दम नहीं है और इस आर्टिकल में लिखी कोई भी बात सच्ची नहीं है, क्योंकि ये तो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से लेकर प्रिंट कर दिया गया है. अब कल ही तो सलमान खान पर कटरीना का अब तक का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू, जिसमें कटरीना ने सलमान को अपना 4 AM फ्रेंड बताया था, और आज दूसरे न्यूज आर्टिकल में उनका ब्रेकअप करा दिया. सच बताएं तो नेशनल डिबेट बन चुके इस इशू पर कटरीना खुद भी काफी डिसअपॉइंटेड हैं, और तो और कटरीना ने इस आर्टिकल पर रिएक्ट करने से भी इनकार कर दिया है. कटरीना ने कहा है कि ये स्टोरी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि मेरी शादी नहीं हो जाती. ऐसे में तो 1000 आर्टिकल्स प्रिंट होते ही रहेंगे, यानी ये वाली न्यूज भी उन 1000 आर्टिकल्स का ही हिस्सा है. और वैसे भी कटरीना तो पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो अपने पर्सनल लाइफ पर कमेंट नहीं करती. I've always maintained that it's not right for me, the person that I am, to comment on my personal life. It doesn't sit well with me. I don't feel happy. I don't feel comfortable about it. I'd rather just request people to respect that and then hope that they don't feel bad. Coming up, media ki khabrein. Katrina Salman ka breakup kara rahi hain. To Salman Katrina ki kismat ke sitare bana rahe hain. Dono ko perfect soulmate. We found Ranbir Kapoor in a red light area of Mumbai. Aakhir Ranbir kyun gaye the red light area mein? We have all the details. Zoom caught and clicked Ranbir Kapoor coming out of red light area in Mumbai. And hey, Ranbir wasn't alone. Director Imtiaz Ali gave him company. But before you start getting any ideas, hum bata de ki ye dono the brothel mein in professional capacity. Ranbir Kapoor was shooting with Imtiaz Ali for his upcoming movie Rockstar in the red light area. Aur Imtiaz Ali chahte hain to keep Ranbir's look under wraps. That's why, since last 4 months the shoot in Delhi, Prague and now in Mumbai, media ko rakha gaya tha dur. Waise iska andaaz to aapko security dekhkar hi pata chal gaya hoga. बट ये सिक्योरिटी भी जूम की इनक्विजिटिवनेस को रोक नहीं पाई. एंड जूम को ये क्यूरियोसिटी रणबीर के रॉकस्टार लुक के लिए नहीं, बट थी एक डिफरेंट रीजन से. फ्यू वीक्स बैक जूम ने देखा था इम्तियाज को कमिंग आउट ऑफ अ ब्रॉथल इन मुंबई. सिंस वी वरंट श्योर कि इम्तियाज वहाँ कर क्या रहे थे, वी डिडंट टेल यू अ थिंग अबाउट इट. एंड फाइनली जब हमने पूरी वैनिटी वैंस एंड बॉडीगार्ड्स एंड रणबीर को रिसेंटली स्पॉट किया इन द सेम एरिया, वी रियलाइज दैट उस रात इम्तियाज कर रहे थे रिसर्च रॉकस्टार के लिए. संजय दत्त के किड्स को पैदा हुए अब 4 दिन बीत चुके हैं, मगर अब तक संजय दत्त अपने बच्चों को नहीं दे पाए हैं जादू की झप्पी. क्या है इसकी वजह? इन दिनों सातवें आसमान पर घूम रहे संजय दत्त ने अपने न्यू बॉर्न बेबीज की तस्वीर अपने आईफोन में स्टोर करके रखी है. वो इसे अपने करीबी दोस्तों को दिखाते भी रहते हैं, मगर अफसोस संजय का ये दुलार सिर्फ तस्वीर और बच्चों को देखने तक ही रह गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि संजय ने अपने बेबीज को अब तक गोद में खिलाया तक नहीं है. अभी तक मौका नहीं मिला है गोद में खिलाने का. वेल, इसके पीछे रीजन है मान्यता की प्रीमैच्योर डिलीवरी. टाइम एंड अगेन नाम की वर्कशॉप पर आए संजय ने एक्सक्लूसिवली ये बातें हमसे शेयर की. सुनने में आ रहा है कि संजय के किड्स अब भी ICU में एडमिट हैं. बट इफ संजय इज टू बी बिलीव्ड, बच्चे और मान्यता दोनों फिट एंड फाइन हैं. अजय देवगन ने पॉपुलर अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी पर उठा दिया है सवाल. पहले तो लोग कहते थे, लेकिन अब खुद अजय देवगन पूछ रहे हैं कौन बेच रहा है अवार्ड्स. फोन करके पता करता हूँ, पता करूंगा ना कौन से अवार्ड में कौन कौन क्या बेच रहा है. पॉपुलर अवार्ड के खिलाफ एक्टर अजय देवगन ने उठा दिया है सवाल, और अब अजय भी शामिल होंगे आमिर सलमान और अभय देओल के ग्रुप में, जो ये मानते हैं कि पॉपुलर अवार्ड खरीदे जाते हैं. पता करूंगा ना कौन से अवार्ड में कौन कौन क्या बेच रहा है. ये बात अजय ने तब कही जब जूम के रिपोर्टर ने उनसे पूछा ये सवाल. अजय सर, काफी दिन में आपको लगता है सारे अवार्ड आपके नाम हो सकते हैं? फोन करके पता. पहले तो अजय मजाकिया मूड में थे, लेकिन इस मजाक ने एक बार फिर पॉपुलर अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया है. अक्षय कुमार खतरों के खिलाड़ी सीजन 3 को मिली कम TRPs को लेकर प्रियंका चोपड़ा के बचाव में आ गए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि शो के अगले सीजन के लिए उन्हें नहीं किया गया है अप्रोच. एक बार फिर अक्षय ने प्रियंका को लेकर जताया है एतराज. ये एतराज प्रियंका के होस्ट किए हुए रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी की सीजन 2 के मुकाबले कम TRPs को लेकर है. रेटिंग्स आर नॉट इन एनीवनस हैंड, सो इट्स नॉट प्रियंका'स फॉल्ट. सीजन 3 में अक्षय की जगह ले ली प्रियंका चोपड़ा ने, और शो ओपन हुआ 5.5 की ओपनिंग के साथ, लेकिन ये TRPs रिटेन नहीं कर पाए. सीजन 3 को मिलने वाली TRPs का एवरेज अक्षय के होस्ट किए सीजन के कंपैरिजन में काफी पीछे रह गया. इसी वजह से खबरें आई हैं कि सीजन 4 के लिए अक्षय कुमार को अप्रोच किया गया है.
I haven't been approached by colors as yet. पर अक्षय ना ही सिर्फ उन्हें अप्रोच किए जाने की बात को नाकार रहे हैं बल्कि अक्षय तो प्रियंका की तारीफों के कसीदे भी पढ़ रहे हैं। I was happy to know that Priyanka was handling it well. I felt proud that it opened with such phenomenal rating. एक्शन रीप्ले को प्रमोट करने के लिए ऐश्वर्या और अक्षय को जाना था केबीसी में, लेकिन ऐश्वर्या यहां नहीं पहुंची। क्या इसकी वजह है सलमान खान? मौका था एक्शन रीप्ले की फिल्म प्रमोशन का, जगह थी केबीसी का सेट। सबकी जबान पर एक ही सवाल, आखिर अपने ससुर अमिताभ बच्चन के सेट पर अपनी ही फिल्म को प्रमोट करने में ऐश को क्या परेशानी थी? इसकी वजह है सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान। और यही वजह है कि ऐश अपने ससुर अमिताभ बच्चन को भी सपोर्ट नहीं कर पाई। ऐश नहीं जा पाई केबीसी के सेट पर, जहाँ पहुँची एक्शन रीप्ले की पूरी कास्ट। हमेशा की तरह अक्षय अपनी पूरी टीम के साथ अपने रेट्रो लुक में सेट पर देरी से पहुँचे, और जब हमने अक्षय से पूछा कि आखिर ऐश क्यों नहीं आई, तो इन्होंने दे दिया ये जवाब। अक्षय ने तो छुपा दी वो बात, लेकिन उनकी को स्टार नेहा धूपिया ने उगल दिया सच। तो प्राइज मनी जाएगी बीइंग ह्यूमन को, यानी सलमान की ट्रस्ट को। तो क्या ये मान लिया जाए कि यही थी ऐश की एब्सेंस की वजह? आमिर कौन सी फिल्म साइन करेंगे, ये मिस्ट्री अब आउट हो चुकी है, क्योंकि रिपोर्टेडली आमिर ने साइन कर ली है यश राज बैनर की फिल्म FBI, जिसे आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करेंगे। कल प्लैनेट बॉलीवुड में हमने आपको दिखाया था कि कैसे आमिर खान ने जूम को मैसेज करके बताया कि उन्हें एक एक्साइटिंग स्क्रिप्ट मिल गई है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये कौन सी फिल्म है। दरअसल आमिर ने यशराज बैनर की अनटाइटल्ड फिल्म को साइन कर लिया है, जिसकी स्क्रिप्ट आमिर पढ़ चुके हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज, इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करेंगे। वैसे खबरें तो ये भी उड़ रही थी कि आमिर खान डायरेक्टर अनिल शर्मा के साथ FBI नाम की फिल्म में लीड रोल करेंगे, बट देयर वर नो डेवलपमेंट्स इन दिस फ्रंट। एंड नाउ द न्यूज इज दैट अनिल शर्मा विल हैव टू वेट, क्योंकि आमिर ने अपनी डेट्स यशराज बैनर के साथ फिक्स कर ली हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब आमिर यशराज बैनर के साथ फिल्म करने जा रहे हों। इससे पहले भी आमिर परंपरा और फना जैसी फिल्मों में यशराज बैनर से जुड़कर बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा चुके हैं। पीपली लाइव की डायरेक्टर अनुषा और प्रोड्यूसर आमिर खान के बीच आया नया टिप। एक दूसरे को अवॉइड करने वाली दीपिका पादुकोण और कैटरीना तैयार हैं लास वेगास में एक साथ शो करने के लिए। आर दे रियली कमिंग टुगेदर? हमेशा एक ब्रेकअप के बाद बदल जाती हैं काफी रिलेशनशिप्स की इक्वेशंस, एंड दिस हैज हैपेंड विद कैटरीना कैफ एंड दीपिका पादुकोण एज वेल। द टू सीम टू बी बरिंग द हैचेट, एज दिस डुओ विल बी सीन परफॉर्मिंग टुगेदर एट अ शो इन लास वेगास। और खबर बस इतनी ही नहीं है कि दोनों एक शो करने वाली है परफॉर्म, खबर तो ये भी है कि दोनों करेंगी स्टेज भी शेयर। बट शो के ऑर्गेनाइजर्स ने ना इस खबर को किया है एक्सेप्ट और ना ही डिनाई। The differences between these two actresses cropped up because of the growing proximity between Kat and Deepika's then boyfriend Ranbir Kapoor, जिसकी वजह से दीपिका हो गई थी कुछ insecure Kat से। But अब लगता है as Deepika has moved on in her life, she doesn't want to have any enemies from the past. इसीलिए अब दोनों ताल से ताल मिलाकर सेट कर देंगी स्टेज को on fire. नीतू चंद्रा है एक नॉन स्मोकर, लेकिन उन्हें एक फिल्म में स्मोकिंग सीन शूट करने के लिए पीनी पड़ी 28 सिगरेट्स। नीतू चंद्रा ने फूके 28 सिगरेट्स। अगर आप इस बात से चौंके नहीं हैं, तो हम आपको बता दें कि नीतू इज अ नॉन स्मोकर, और अपनी तमिल फिल्म की शूटिंग के दौरान नीतू को फूकते पड़े 28 सिगरेट्स। नीतू थाईलैंड में शूट कर रही थी अपनी फिल्म आधी भगवान के लिए, और एक सीन के लिए नीतू को स्मोक करने थे सिगरेट्स, बट सिंस नीतू इज अ नॉन स्मोकर, शी रिफ्यूज्ड टू डू द सेम। बट जब टीम ने नीतू को कन्विंस किया, तो नीतू वाज गेम फॉर द शॉट और शुरू कर दिया फूकना। सरप्राइजिंग बात ये है कि नीतू, जिन्हें सिगरेट होल्ड करना भी नहीं आता, उन्होंने फटाफट फूक डाले 28 सिगरेट्स अपनी डायरेक्टर की निगरानी में। डायरेक्टर आमिर ने सिखाया नीतू को अलग अलग स्टाइल में स्मोक करना और सिगरेट को होल्ड भी करना, एंड शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू स्मोक स्टाइलिशली। करवा चौथ बच्चन फैमिली के लिए काफी स्पेशल है। ऐश ने जूम के साथ शेयर की इस फेस्टिवल पर अपनी फीलिंग्स। आज है करवा चौथ और बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ ऐश्वर्या क्या करने वाली है आज के दिन, वी ऑल वुड लव टू नो। ऐश्वर्या ने शेयर किए अपने प्लान्स ऑन हाउ स्पेशल इज दिस डे इन हर लाइफ एक्सक्लूसिवली विद जूम। This is one such custom I've discovered post-marriage, and it's wonderful. It's a good feeling. All the ladies of the house do this together, and it's nice. अपने न्यूबॉर्न किड्स को संजय अभी तक जादू की झप्पी भले ही ना दे पाए हो, मगर तैयार हैं ऑडियंसेस को मैजिकल हग देने के लिए। वो ला रहे हैं मुन्ना भाई 3।
ऐसा होना चाहिए कि लगे रहो उसे भी बेटर स्कोर। अपना मुन्ना इज बैक। संजू बाबा है शेयर दिस एक्सक्लूसिवली विद जूम कि कई सालों से रुकी मुन्ना भाई की गाड़ी अब फिर पटरी पर आ गई है। फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनलाइज हो गई है और जल्द शुरू होगी मुन्ना भाई 3 की शूटिंग। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट मुन्ना भाई चले अमेरिका, जिसका प्रोमो भी शूट हो गया था, अब तक फ्लोर्स पर नहीं गई। The thing is that till the time they don't do something better than लगे रहो मुन्ना भाई, they had to get a script better than that. You know, Vinod ji is that kind of a person, is very passionate and you know he just felt that you know something better should come up and that's why it took so long. अब संजय ने इस प्रोजेक्ट में जान लगाने का मन बना लिया है और वो इसे लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। मीडिया की खबरें सलमान और कैटरीना का ब्रेकअप करा रही हैं, लेकिन सलमान और कैटरीना की किस्मत के सितारे दोनों को बता रहे हैं परफेक्ट सोलमेट्स। यही नहीं, प्रेडिक्शन स्ट्रांगली बता रहे हैं कि सलमान 2011 तक कर लेंगे शादी। सलमान विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। सलमान खान के सितारे यही कह रहे हैं कि अगले साल तक हो जाएगी उनकी शादी। 2011 में सलमान की लाइफ में होगा वो जो अब तक कई बार होते होते रह गया। All the way chart which is suggesting a marriage next year between December 2010 and 2011. सलमान की लाइफ के इस सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ यानी शादी की प्रेडिक्शन आई जूम के शो लकीर के फकीर से, जहां एक बार नहीं बार बार एक्सपर्ट के कैलकुलेशन सलमान की शादी का ऐलान कर रहे हैं। He will get married, I'm very sure. इतना ही नहीं, फ्यूचर के रहस्य को पढ़ने का दावा करने वाले तो यहां तक बता रहे हैं कि सलमान के लिए कैटरीना ही है अ परफेक्ट सोलमेट। As far as if we were comparing his relationship with Katrina, they are soulmates. जिनके ब्रेकअप के किस्से बनाए जा रहे थे उन्हीं के स्टार्स कह रहे हैं कुछ और ही कहानी। ये एक्सपर्ट्स तो सलमान और कैटरीना को सबसे परफेक्ट मैच बता रहे हैं। इतना ही नहीं, सलमान की 2011 में शादी की भविष्यवाणी सही हुई तो सलमान और कैटरीना जैसे परफेक्ट सोलमेट से होने वाला बेबी भी होगा एंजेलिक। Actually, to tell you the truth, if they have a child, it will be an angelic, wonderful, Aquarian age purple kid. रितेश देशमुख अपनी पहली ब्रांड एंडोर्समेंट डील के लिए एड शूट में थप्पड़ पर थप्पड़ खा रहे हैं। क्या इसी थप्पड़ के लिए मिली है उन्हें 1 करोड़ की फी? रितेश को मिला 1 करोड़ का चांटा। इस थप्पड़ को खाने और इस कमर्शियल को शूट करने के लिए रितेश को मिले हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। रितेश ने अभी अभी एंडोर्समेंट की दुनिया में कदम रखा है, मगर उनकी प्राइस हो गई है 1 करोड़ पर एंडोर्समेंट। अगर सोर्सेस की माने तो वीडियोकॉन के मोबाइल ऐड के लिए रितेश का सालाना कॉन्ट्रैक्ट बना है 1 करोड़ रुपए का। मार्केट में रिसेंटली आउट हुए इस ऐड में रितेश एक डम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो अपनी सुहाग रात मनाने की टिप्स फोन पर लेता है। थोड़ी गड़बड़ के बाद पड़ जाता है रितेश को थप्पड़। आज तक एड में थप्पड़ खाने का काम बहुत ही कम बॉलीवुड सेलेब्स ने किया है, पर एड वर्ल्ड में सालों बाद डेब्यू हो रहा हो वो भी एट अ वूपिंग प्राइस ऑफ 1 करोड़, तो कौन मना करेगा ऐसे थप्पड़ को। पीपली लाइव से आमिर को सुर्खियां मिली और फिल्म की डायरेक्टर को इग्नोरेंस। ये खबरें तो मीडिया में काफी आई, पर अब अनुषा ने इशारा कर दिया है कि आमिर इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए करते हैं लॉबिंग। अमेरिका की नेशनल अवार्ड है यार वो। नहीं, मैं ऑस्कर के लिए फिल्म नहीं बनाई हूँ। इन द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ द ऑस्कर लॉबी सिस्टम हैव बीन पुट टू रेस्ट। अगर फिल्म में दम है तो फिल्म हाईजैक नहीं हो सकती, कौन कर लेगा हाईजैक। दीज हार्श वर्ड्स केम आउट फ्रॉम पीपली लाइव्स डायरेक्टर अनुषा रिजवी। रीजन, आमिर खान एंड ऑस्कर्स। कई समय से ये रूमर्स थे कि ऑस्कर के लिए इंडियन ऑफिशियल एंट्री बनी पीपली लाइव, पर आमिर बटोर रहे हैं सारी पब्लिसिटी और अनुषा हो गई हैं साइडलाइन। अब उनकी बातों से भी ऐसा लगता है, क्योंकि उनके मुताबिक किसी भी मामले में कोई उनकी फिल्म को हाईजैक नहीं कर सकता। अगर फिल्म में दम है तो फिल्म हाईजैक नहीं हो सकती, कौन कर लेगा हाईजैक। अनुषा ने बातों बातों में ये इशारा भी किया कि 9 सालों पहले ऑस्कर्स गई लगान के लिए आमिर ने लॉबिंग भी की थी। इन द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ द ऑस्कर्स लॉबी सिस्टम हैव बीन पुट टू रेस्ट, सो आई थिंक यू नीड टू चेक ऑन दैट। इतना ही नहीं, ऑस्कर्स नाम की परंपरा में भी भरोसा नहीं है आमिर के डायरेक्टर को। अमेरिका की नेशनल अवार्ड है यार। दबंग की सक्सेस के बाद दबंग 2 बनाने की खबर का अपडेट है कि इसे अभिनव कश्यप नहीं बल्कि सोहेल खान डायरेक्ट करेंगे।
दबंग ने थिएटर को छुआ भी नहीं था कि उससे पहले ही बॉलीवुड के गलियारों में दबंग के सीक्वल की खबर आने लगी थी, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं था। बट नाउ अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेज, प्रोड्यूसर अरबाज खान हैज फाइनली डिसाइडेड टू मेक द सीक्वल ऑफ दबंग। इस फिल्म के लीड हीरो रॉबिनहुड चुलबुल पांडे यानी सलमान खान ही होंगे। और मजे की बात तो ये है कि फिल्म का नाम भी इस बार दबंग की जगह रॉबिनहुड चुलबुल पांडे रखा गया है। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप नहीं सोहेल खान होंगे। अब सवाल ये उठता है कि दबंग के डायरेक्शन के बाद भी अभिनव कश्यप को फिल्म के सीक्वल में क्यों नहीं लिया गया? कहीं इसकी वजह प्लैनेट बॉलीवुड की वो स्टोरी तो नहीं, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे दबंग के बाद अभिनव हर प्रोड्यूसर से फिल्म साइन करने के लिए 20 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। वर्मा के साथ अमिताभ बच्चन की नेक्स्ट फिल्म का अनाउंसमेंट। इस फिल्म में अमिताभ के साथ अभिषेक बच्चन भी हैं। रक्त चरित्र की सक्सेस के बाद आरजीवी इज फ्लाइंग हाई, और यही वजह है कि नाउ ही इज प्लानिंग हिज नेक्स्ट वेंचर विद नन अदर देन बिग बी। फिल्म का नाम है डिपार्टमेंट। सुनने में आया है कि फिल्म एक सीक्वल है वर्मा की ही फिल्म कंपनी की, और इसमें बिग बी के अलावा संजय दत्त और अभिषेक बच्चन भी रोल प्ले करेंगे। द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड फोर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एंड इज इंस्पायर्ड बाय द रियल लाइफ कॉप्स। इस खबर को कंफर्म किया है खुद राम गोपाल वर्मा ने। वैसे द लास्ट टाइम दिस डुओ केम टुगेदर, कैरेक्टर्स लाइक सरकार हैड कम आउट एंड क्रिएटेड सेंसेशन। साथ ही उन्होंने दी रन जैसी कॉन्ट्रोवर्शियल और सिंटिलेटिंग फिल्म्स भी। गुजारिश की कास्ट में शामिल मोनिकांगना दत्ता काफी अपसेट हैं, क्योंकि उन्हें गुजारिश के प्रमोशंस में किया जा रहा है साइडलाइन। मोनिकांगना दत्त, आप सोचेंगे कि कौन है मोनिकांगना दत्त? हम आपको दोषी भी नहीं ठहराते, आखिर आपको पता भी कैसे चले। मोनिकांगना फिल्म गुजारिश में सेकंड लीड हीरोइन है। इस फिल्म से वो डेब्यू कर रही हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली अब तक मोनी को इग्नोर किया गया है। गुजारिश के म्यूजिक लॉन्च के दौरान भी मोनिकांगना को नहीं मिली कोई लाइमलाइट। देखिए कैसे स्टेज पर पूरी शाम सिर्फ ऐश ही ऐश छाई हुई थी। मोनिकांगना म्यूजिक लॉन्च के दौरान स्टेज पर तो आई, लेकिन देखिए ऋतिक के पास वो खड़ी रहना चाहती थी, लेकिन ऋतिक मोनी से दूर चले गए और बाद में मोनी से दूर ही खड़े रहे। और तो और म्यूजिक लॉन्च के दौरान ऐश्वर्या, ऋतिक और संजय लीला भंसाली ने मीडिया से देर तक बात की, लेकिन मोनी का कुछ अता पता नहीं था। वेल द क्वेश्चन हियर इज कि मोनी को आखिर मीडिया के सामने अब तक क्यों नहीं लाया गया? असिन टर्न्स 25 एंड शी शेयर्स हर बर्थडे प्लान्स एक्सक्लूसिवली विद Zoom। आज है असिन का बर्थडे और असिन ने एक्सक्लूसिवली Zoom से शेयर किया अपना बर्थडे प्लान्स एंड हाउ स्पेशल इज दिस बर्थडे फॉर हर। My friends came down, which was quite a surprise this year. So these guys coordinated amongst themselves and they came down and gave me a surprise, which was really, really sweet because I had no clue they were coming. So I want to spend birthday with my mom and dad and with my close friends. That was made possible. So yeah. Break ke baad ki song Ajab Leher ki making mein nazar aa rahi hai Imran Deepika ki zabardast chemistry. There was no actual song sequence with a chiffon sardi and that's the only thing I missed. Ajab Leher jo hai second half ka gana hai jisme dono ek hi chhat ke niche rehte hain. Ajab Leher hai meri padosi. Even I missed the saris. Oh, camera roll ho raha hai, sorry. Ajab Leher ki jo situation hai wo bahut interesting hai. Meri padosi. It's not closeness, it's not distance, there's something in between. Ajab दो लोग जो कभी एक दूसरे के इतने करीब थे, सिर्फ उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया जिंदगी में, कुछ 19 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, 10 साल से एक रिलेशनशिप में हैं, वही दो लोग पहली बार एक छत के नीचे रहे थे। अजब लहर है मेरी पड़ोसी। We are under one roof and how I am trying to win her back. I am trying to impress her. I am trying to make her fall in love with me again. Fortunately, वो गाना इतना up है कि it keeps everything at a very high energy level. Visually, काफ़ी रिच है क्योंकि वो लोकेशन इतना अच्छा है, एक छोटा सा आइलैंड है और उसमें वो घर है और वो आइलैंड बस वो घर ही है। अजब लहर है मेरी पड़ोसी, दैट जस्ट डिड इट एग्जैक्टली। दिस प्रसन्नजी लिरिक्स, वी सैट इन द स्टूडियो, टुक अ गिटार एंड जस्ट जैम्ड ऑन इट इन अबाउट 10 मिनट्स, कॉल्ड दानिश इमीडिएटली, दानिश केम टू द स्टूडियो, उनको बहुत पसंद आया। प्यास कैसी कि पानियों को करीब से मैं बस बहते देखूं, मैं पानी को देखूं पीऊं नहीं, ये कैसी अजीब प्यास है। सो आई हैव ट्राइड टू डिस्क्राइब उसकी जो मनस्थिति है। मेरी पड़ोसी अजब से चींटे, ओ, 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 ओ,
Oh.